नमस्कार दोस्तों, श्राद्ध आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके नाम का प्रथम अक्षर यश से प्रारंभ हो। इनका स्वभाव कैसा होता है, इनके जीवन में प्रेम संबंध कैसे होते हैं, इनकी शिक्षा कैसी होती है, इनके जीवन में वैवाहिक जीवन कैसा होता है, घर गाड़ी सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम वार्ता करेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे इनका व्यक्तित्व कैसे होता है। यश नाम वाले लोग जहां पे भी रहते हैं अपने आप को सबके सामने बड़े खुले दिल से प्रकट करते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, जो सोचते हैं उसे करते जरूर हैं। अपनी बातों में कभी कभी इतने ज्यादा खो जाते हैं, अपनी इच्छाओं को इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि आसपास के लोग कभी कभी इन्हें सेल्फ सेंट्रलाइज की परिभाषा देने लगते हैं। देखा जाए तो अपने सुख सुविधा और व्यवस्था का मैनेजमेंट ये खराब होने देना चाहते भी नहीं। जो भी इनका सिस्टम है उसमें कोई भी आदमी आकर दखलंदाजी ना करे। ऐसे तो जिसके प्रति ये समर्पित होते हैं ये गहरा भाव रखते हैं, लेकिन इनके कुछ नियम जब टूटते हैं तो उसके प्रति भी अपने खरी खोटी या स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आते हैं। इनके जीवन में आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां कई बार आती हैं। बचपन से ही कुछ मामलों में विवादित भी देखे जाते हैं। वो शिक्षा से लेकर खेल या चरित्र किसी भी क्षेत्र में पाया जाता है। कई बार अपोजिट सेक्स को लेकर भी इनके ऊपर आरोप लगने की संभावना बन जाती है, लेकिन अपने धुन के पक्के इनको जो करना होता है वही करते हैं। जिस भी क्षेत्र में ये पूरे मन से कार्य करते हैं उस क्षेत्र में ये काफी अच्छा स्थान रखते हैं। कई बार देखा गया है उस क्षेत्र के माहिर भी होते हैं। जीवन में एक से दो बार प्रेम संबंधों का मामला उजागर होता है। गहरे अर्थों में देखा जाए केवल उजागर ही नहीं होता है, इनमें इनका भाव भी लिप्त रहता है। परिवार में इनको कभी कभी जिद्दी या अपने धुन का पक्का कहा जाता है। यह धुन कई बार अच्छी चीजों में बड़ा श्रेष्ठ जीवन फल देती है, कई बार ऐसे क्षेत्रों में यह धुन लग जाती है कि जो सामाजिक या पारिवारिक रूप से पीड़ादायी हो जाती है। स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो इनको वात और पेट की थोड़ी समस्या बनी रहती है। शरीर में स्थिरता की थोड़ी सी कमी पाई जाती है और यह स्थिरता की कमी आंतरिक ज्यादा होती है। इनका मन किसी न किसी विषय से विषाक्त होता रहता है, जिस कारण से जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पे साफ देखा जाता है। ऐसे तो इन्हें ड्रेसिंग सेंस, चलने फिरने की समझ, खाने पीने का तौर तरीका बड़े अच्छे से पता रहता है, लेकिन कई बार इन चीजों में अड़ियल हो जाते हैं। जब ये किसी चीज से खिन्न होते हैं तो इनका पूरा व्यक्तित्व और शरीर उस निगेटिविटी को प्रकट करता है। इस कारण से आसपास के लोग इनके स्वभाव और व्यक्तित्व से कुछ दिन में अवगत हो जाते हैं। अगर विवाह जीवन की बात की जाए तो हमने देखा है कि पुराने प्रेम के नाते कभी कभी इनका आगे का वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है और कई बार अपने प्रेम के साथ ही विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें विवाद आता है। विवाह के बाद भी इनके रिलेशनशिप बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिस कारण से ये समस्या का कारण बनता है। संतान सुख इनकी ठीक रहती है, लेकिन संतान से जो गहरा लगाव होना चाहिए, जो समय देना चाहिए, वो तो इनके पास मन में भाव तो रहता है लेकिन इनके पास वो समय नहीं रहता जो ये दे पाते हैं। हमने तो कई बार देखा कि ये लोग संतान सुख में लेट भी इसी नाते करते हैं, डिले करते हैं कि चलो आगे प्लानिंग करते हैं, अभी नहीं।
मन तो रहता है लेकिन समय के अभाव के नाते या कुछ अपनी सोच के नाते ये समय नहीं दे पाते हैं। माता पिता के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद इनके जीवन में देखे गए हैं और वह वैचारिक मतभेद नौकरी और विवाह या पत्नी को लेकर भी बहुत बार देखा जाता है, जिस कारण से इनके वैवाहिक जीवन में पारिवारिक जीवन में खटास आती रहती है। घर गाड़ी और जमीन की बात की जाए तो इस मामले में भाग्यशाली होते हैं, इन्हें अच्छी और बड़ी गाड़ियों का सुख जरूर मिलता है, जमीन खुद जरूर खरीदते हैं, घर भी बनवाते हैं, इन सब चीजों का सुख इनके जीवन में बना रहता है। अगर बात की जाए कि व्यवसाय के क्षेत्र में तो हमने देखा सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट गवर्नमेंट या अपने व्यवसाय में माहिर होते हैं, धार्मिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। इनको टीचिंग में भी देखा जा सकता है और सामाजिक सेवा में भी देखा जा सकता है, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे से ये काम करते हैं, एक अच्छे सलाहकार होते हैं, इनकी जो सलाह आती है वो दूरगामी होती है, सारे विषयों पर सोच कर ही सलाह देते हैं, लेकिन जब इनका मामला फंसता है तो इन्हें लगता है कि कोई भी आदमी मुझे सही सलाह और नेक सलाह नहीं देता है, जिस कारण से इनका मन कई बार खिन्न और उदास हो जाता है। अगर बात की जाए कि किसकी पूजा करें जिससे इनका जीवन सबसे अच्छा हो, इन्हें भगवान विष्णु की उपासना करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना में इन्हें विष्णु सहस्त्र नाम और केले के पेड़ को लगाकर उसमें हल्दी चढ़ाना, दीप दिखाना और जल समर्पित करना, यह प्रक्रिया करते रहना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति विशेष श्रद्धा रखनी चाहिए, उन्हें समय समय पर जो भी आवश्यक चीजें हैं वह इन्हें गिफ्ट करते रहना चाहिए, खास तौर से ब्राह्मण और गुरु और बड़ों की सेवा करते रहना चाहिए। अगर इनकी सेवा ये करते हैं तो इनको जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। मित्रों, आज हमने बात की यश के बारे में, जिन लोगों का नाम यश से शुरू होता है। आपको अपना नाम या अपने किसी भी परिचित के नाम के बारे में जानना हो तो हमारी सीरीज लगभग अंतिम क्षणों में पहुंच रही है, जरूर हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते रहते हैं, आपकी सलाह का इंतजार करते रहते हैं, और अगर आपको ज्योतिष जानना है या अपनी कुंडली दिखानी है तो दिए नंबर पर फोन करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, सदाधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।